नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल प्लांट टिप्स एंड केयर में। आज से दो दिन पहले ऑन 6th of November मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था मैंने 10 गुलाब लगाए थे, जिसमें 8 गुलाब मैंने सॉइल मीडिया में लगाए थे और 2 गुलाब मैंने लगाए थे सिर्फ कोकोपीट मीडिया में। आज 8वां दिन है, मैंने अभी तक कोई फिटिंग नहीं की है इस गुलाब में, इन दोनों गुलाबों में, और ये अभी इसकी स्थिति है, इस कंडीशन में है मेरे गुलाब। मैं जस्ट रोज 2 बार ठंडे पानी का स्प्रे करता हूँ इस पर, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे मैंने कल किया है इस पर, फंगीसाइड का स्प्रे आज किया है मैंने इस पर। फंगीसाइड में मैंने यूज़ किया है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, ब्लाइटॉक्स नाम से मिलता है वो, और इंसेक्टिसाइड में मैंने आज यूज़ किया है इस पे रोगोर। थ्रिप्स का अटैक होने का चांसेस रहता है, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग अभी एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें अपने गुलाब पर। जो नई पत्तियाँ आती हैं थ्रिप्स उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाइक करते हैं और बड़ी जल्दी उस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। यह है मेरा पहला गुलाब कोकोपीट में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस गुलाब की ग्रोथ कैसी लग रही है कोकोपीट मीडिया में। दूसरा गुलाब मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये है मेरा दूसरा गुलाब कोकोपीट मीडिया में। बिना कोई फीडिंग के, कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया गया है इसमें, सिर्फ कोकोपीट में लगाया गया है, कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया गया है। ये गुलाब की कंडीशन है अभी मेरे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। आपको ऐसी बहुत सी जानकारियाँ इस चैनल पर रेगुलर प्रोवाइड की जाएंगी। धन्यवाद।